तो हेलो मेरे दोस्तों, कैसे आप लोग। गैस मुझे उम्मीद है कि यार आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों आप सभी के लिए फिर से एक न्यू खतरनाक एप्लीकेशन लेकर आ चुका हूँ, जो कि आप मेरे दोस्तों उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अच्छी खासी जर्निंग करने वाले हो। तो मेरे दोस्तों वो एप्लीकेशन कौन सी है, कहाँ से कैसे डाउनलोड करना है, उसमें कैसे रजिस्टर करना है और फ्री में पैसे कमा करके दोस्तों उसमें कैसे विड्रॉल करना है, दोस्तों सब कुछ इसी वीडियो में गैस मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। बस इस वीडियो को गैस आप लोग शुरू से लेकर यार लास्ट तक देखते रहिए। और साथ ही साथ गैस इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये भी दिखाने वाला हूँ कि उस एप्लीकेशन में मैंने कितनी बार विड्रॉल लगाया। ठीक है, यदि आप भी दोस्तों अच्छी खासी जर्निंग करना चाहते हो तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग शुरू से के लास्ट तक देख रहे हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, मैं जिस एप्लीकेशन के बारे में मैं बात करने वाला हूँ ना, उस एप्लीकेशन का नाम है गाइस जेम रिवॉर्ड। जी हाँ गाइस, इस एप्लीकेशन का लिंक मैंने दोस्तों अपने वीडियोस के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गाइस दे दिया हूँ, आप वहाँ से दोस्तों इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो मेरे दोस्तों इस एप्लीकेशन को मैं अपने फोन में पहले से डाउनलोड करके रखा है, इसलिए इस एप्लीकेशन को मैं यहीं से ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो मेरे दोस्तों जैसे इस एप्लीकेशन को आप अपने फोन में इसको फर्स्ट बार गाइस आप लोग ओपन करेंगे तो गाइस आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपने नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना। ठीक है, और नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर आपने कंटिन्यू विद फोन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। ठीक है, सो जैसे आप गाइस कंटिन्यू विद फोन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपने एग्री के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। ठीक है, और एग्री के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर अपना पेटीएम नंबर फिलअप कर देना। ठीक है, तो चले गाइस मैं अपने पेटीएम नंबर को उसमें फिलअप कर देता हूँ। एंड पेटीएम नंबर को फिलअप कर देने के बाद गाइस यहाँ पर आपने साइनिंग ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, सो जैसे आप गाइस साइनिंग ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर गाइस आपने कन्फर्म के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सो जैसे आप गाइस कन्फर्म के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे जो भी परमिशन इसमें अलाउ मांगे इसको गाइस आपने अलाउ कर देना है। ठीक है, तो मेरे दोस्तों जिससे आप लोग परमिशन को अलाउ करोगे इसमें दोस्तों आप लोग सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो जाओगे। ठीक है, अब गाइस इसमें करना क्या है चलिए मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ। ठीक है, तो इसमें दोस्तों आप लोगों को बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलता है। ठीक है, सबसे पहले इसमें आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिलता है प्ले गेम का ऑप्शन, इस पर गाइस आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद गाइस आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाता है। इसके नीचे आप लोगों को एक एक्सेप्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ठीक है, इस पर गाइस आपने क्लिक कर देना। ठीक है, सो जैसे आप गाइस इस पर क्लिक करेंगे एक सेटिंग्स जो है वो ओपन हो जाएगा, उस सेटिंग्स को दोस्तों आपको इनेबल कर देना है। ठीक है, सो जैसे आप गाइस इसमें परमिशन को अलाउ करोगे इसमें दोस्तों आप लोगों को बहुत सारे एप्लीकेशन देखने को मिल जाता है। ठीक है, जैसे कि उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके दोस्तों आप लोग गेम प्ले करते हो तो दोस्तों आप लोगों को बहुत ही अच्छी खासी उससे अर्निंग हो जाएगी। ठीक है, तो गाइस इस टाइम इसमें कोई भी एप्लीकेशन अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल जब हो जाती है तो गाइस इससे आप लोग अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को और मिलता है रेफर एंड रियन ऑप्शन। ठीक है, इस पर गाइस आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, सो जैसे आप गाइस इस पर क्लिक करेंगे यदि आप दोस्तों इस एप्लीकेशन को आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करके उससे आप लोग डाउनलोड करके टास्क कंप्लीट करवाते हो तो दोस्तों आप लोगों को उसमें 500 कॉइंस मिल जाता है। ठीक है, और ये जो आपका 500 कॉइंस रहेगा दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपके वैलेट में ऐड हो जाता है। ठीक है, एंड उसके बाद दोस्तों इसमें आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को और मिल जाता है ऐप टास्क का। ठीक है, इस पर गाइस आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, तो मेरे दोस्तों जैसे आप लोग ऐप टास्क के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इसमें आप लोगों को बहुत सारे एप्लीकेशन देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो किसी एक एप्लीकेशन पर आपने क्लिक कर देना। ठीक है, तो चलिए गाइस मैं फर्स्ट एप्लीकेशन में भाई यहाँ पर मैं स्टार्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। सो जैसे आप गाइस आप लोग स्टार्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने गाइस कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाता है और इसमें आप लोगों को बहुत सारे एप्लीकेशन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, यदि आप दोस्तों इस एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड करके इंस्टॉल करके इसमें गेम प्ले करते हो तो दोस्तों आप लोगों को इतना कॉइंस मिल जाता है। ठीक है, तो गाइस जिस एप्लीकेशन में जितना भी कॉइंस लिखा हुआ है, ठीक है, यदि आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उसमें गेम प्ले करते हो तो दोस्तों आप लोगों को अच्छी खासी ऐसी अर्निंग हो जाएगी। ठीक है, और यदि आप इस एप्लीकेशन में दोस्तों और भी अच्छी खासी अर्निंग करना चाहते हो तो दोस्तों इसमें आप लोगों को बहुत सारे एप्लीकेशन देखने को मिल जाता है। किसी एक एप्लीकेशन पर जैसे आप लोग गाइस इसमें क्लिक करेंगे तो और भी एप्लीकेशन देखने को मिल जाते हैं डाउनलोड करने के लिए। ठीक है, इससे भी गाइस आप लोग डाउनलोड करके अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। ठीक है, अब चलिए गाइस इस एप्लीकेशन की मदद से मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसमें विड्रॉल कैसे लगाना है। ठीक है, तो सिंपली इसमें विड्रॉल लगाने के लिए गाइस यहाँ पर अपने रिवार्ड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर गाइस आपके वैलेट में 1000 के ऊपर कॉइंस रहना चाहिए तभी गाइस इसमें आप लोग विड्रॉल लगा पाएंगे। ठीक है, तो विड्रॉल लगाने के लिए गाइस आप जितना भी विड्रॉल लगाना चाहते हैं गाइस उसी पर गाइस आपने क्लिक कर देना है और इसमें दोस्तों अपना पेटीएम नंबर फिलअप कर देना है। ठीक है, एंड पेटीएम नंबर फिलअप कर देने के बाद गाइस यहाँ पर अपने रिक्वेस्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो विड्रॉल लगाने से पहले मैं अपने पेटीएम एप्लीकेशन को ओपन करके दिखा देता हूँ कि मेरे पेटीएम वॉलेट में कितना है और लास्ट ट्रांजेक्शन गाइस कितना हुआ है। ठीक है, तो इस एप्लीकेशन को मैं सबसे पहले ओपन कर लेता हूँ और मैं बैलेंस एंड हिस्ट्री पर मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ कि इसमें लास्ट ट्रांजेक्शन कितना हुआ और मेरे पेटी वॉलेट में कितना है। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे आप लोग देख सकते हो मेरे पेटी वॉलेट में 0 बैलेंस है और यहाँ पर कैसे आप लोग लाख ट्रांजेक्शन भी देख सकते हो। ठीक है, अब चलिए गए इस एप्लीकेशन में मैं आप लोगों को विड्रॉल करके दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर कैसे आप लोग टाइम भी देख लीजिए। तो चलिए इस एप्लीकेशन को मैं सबसे पहले ओपन कर लेता हूँ और इसमें मैं विड्रॉल लगाता हूँ। ठीक है, तो विड्रॉल लगाने के लिए इसमें अपने इसमें पेटीएम नंबर को फिलअप कर देता हूँ। ठीक है, अब गए इस एप्लीकेशन में मैं अपने पेटीएम नंबर को फिलअप कर दिया हूँ। अब गए यहाँ पर मैं सभी में रिक्वेस्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर कैसे आपने कन्फर्म के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, सो जैसे आप गाइस सबमिट रिक्वेस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपका पेमेंट जो है गाइस आपके पेटीएम वॉलेट में इंस्टेंट का इंस्टेंट रिसीव हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कैसे आप लोग नोटिफिकेशन भी देख सकते हो, यहाँ पर मेरे 10 रुपये जो है रिसीव्ड हो गए। ठीक है, अब गाइस मैं अपने पेटीएम एप्लीकेशन को ओपन करके दिखा देता हूँ कि मेरा पैसा इसमें रिसीव्ड हुआ कि नहीं। ठीक है, तो इस एप्लीकेशन को गाइस सबसे पहले मैं ओपन कर लेता हूँ। तो मेरे दोस्तों मेरे पेटीएम वॉलेट में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 10 रुपये यहाँ पर मेरे पेटीएम वॉलेट में अभी के अभी पैसे रिसीव्ड हो गए हैं और यहाँ पर कैसे आप लोग लाइव ट्रांजेक्शन भी देख लीजिए। ठीक है,